गाइस इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 28 आपसे बोल रहा है व्हाई वफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ अ रेलवे ट्रेन। आपने देखा होगा रेलवे ट्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से बफर्स लगे हुए होते हैं, ये बफर कहलाते हैं, इनको बफर्स कहा जाता। ये बफर्स किस लिए लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरा जो बोगी है, अगर वो बोगी इस दूसरे इंजन या फिर बोगी से टकराने के लिए आए तो टकराने से पहले ये जो बफर्स होते हैं ना, ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बफर्स जो होते हैं ना, ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्वर होते हैं, इनके अंदर स्प्रिंग सिस्टम होता है जो दब जाता। यहाँ पर जब दूसरी बोगी आकर लगेगी, दूसरी बोगी के अंदर भी दो बफर होंगे कुछ इस तरीके से आगे लगेंगे, तो ये दब जाएगा। जब ये अंदर को दब जाएगा तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से होता क्या है? होता ये है, देखो, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से ये होता है कि वो फोर्स कम लगा पाते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब एक बोगी दूसरे पर कम फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट, मतलब एक बोगी जब दूसरी बोगी से टकराने वाली होती है तो बफर्स दबने शुरू हो जाते हैं, और जब बफर्स दबते हैं तो इम्पैक्ट का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एकदम से नहीं टकराते हैं, वो हल्के हल्के दबने शुरू हो जाते हैं, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं उनको झटका जर्क कम महसूस होता। ये वाली बात आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखेंगे कि यार ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट कैसे कम होता, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस सपोज कि बफर नहीं है, तो एक बोगी जब दूसरी बोगी से आके धड़ाम से जाकर टकराएगी तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा चेंजिंग मोमेंटम का, वो बहुत ही कम होगा। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही कम होगा तो जाहिर सी बात है जो फोर्स लगेगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है इस तरीके का, और सीवर है ना, कुछ घटनाएं सीवर हो सकती हैं बंदों के साथ जो उसके अंदर बैठे हुए होंगे। तो इसीलिए आप बफर्स का इस्तेमाल करते हो ताकि जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत कम ना होकर के थोड़ा बढ़ जाए, स्प्रिंग सिस्टम होता है थोड़ा दब जाए, जिससे जो फोर्स लगेगी वो थोड़ी कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं बफर्स जो होते हैं ना, जो फोर्स लगने वाला होता है एक बोगी का दूसरी बोगी पर, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इस्तेमाल है बफर का ट्रेन के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।